अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का स्वागत है शाइन रेसिपी ब्लॉग में, मेरे छोटे से किचन में। तो मैं आज क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ अंडे का सूखा। तो मैंने कहीं अंडे का सालन ऐसा डाल चुकी हूँ। अब मैं ये मसाले में बना रही हूँ जो आपको दिखा रही है। मैंने दो टमाटर ली हूँ और यहाँ कुछ कोथमीर ली हूँ, यहाँ थोड़ा सा अदरक ली हूँ और ये 8-9 कली लहसुन ली हूँ और 3 हरी मिर्ची ली हूँ। इसलिए ये 3 ली हूँ कि इसमें मिर्ची पाउडर भी जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो ये देखो, मैंने ये 4 अंडा ली थी, इसको इस तरह कटिंग करी। तो मैंने यहाँ तेल ली हूँ, तो इसके अंदर इस तरह डाल देंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। वो अंदर का गोल वाला निकलता है तो कोई फायदा ये नहीं है, उसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं थोड़ा हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़ा मिर्ची यानी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी मैं। तो मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची भी इसके अंदर डालूँगी और इसको थोड़ा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा मत डालो, थोड़ा ही डालो। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो आप आपके हिसाब से नमक डालना, क्योंकि नमक बाद में भी लगेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं अभी इसको ऐसा ये फ्राई करूँगी। देखो मैं इसको इस तरह निकाल लूँगी, देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया फ्राई। इसको मैं अभी मसाला बना के बताती हूँ। तो देखो इसका मैं एक टाइम पेस्ट बना के आपको बताती हूँ। तो देखो यही तेल के अंदर जो मैंने अंडा तली थी उसी के अंदर मैं एक कांदा डाल के उसी को बनाऊँगी, उसी में बनाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ अभी ये कांदा फ्राई होने के बाद। तो देखो ये मेरा कांदा ब्राउन हुआ और जो मैंने मसाला बनाई थी उसका पेस्ट बनाई, उसको इसके अंदर डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी। और इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले ली हूँ, यहाँ पे हल्दी ली हूँ, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी, ये सब मैं इसके अंदर ये भी डाल दूँगी। मिर्ची पाउडर आपके हिसाब से लेना, नमक भी आपके हिसाब से लेना। तो मैं इसको अच्छे से भून के आपको बताती हूँ। तो देखो माशाल्लाह से मेरा मसाला भी भून गया। और सूखा अगर आप लोग को चाहिए ऐसा सूखा रखना है तो आप रखो, मैं थोड़ा पानी डालूंगी, रोटी के साथ खाना है। और देखो तरी वगैरह सब मस्त माशाल्लाह से आया हुआ है। तो मैं इसके अंदर अभी ये हमने जो फ्राई किए लिए वो अंडा भी डाल देंगे। तो ये अंडे को भी इसी के साथ डाल देंगे और इसको भी इसमें मिला लेंगे, है ना। हुआ ना माशाल्लाह, कितना अच्छा है, देखो मस्त एकदम। तो देखो माशाल्लाह से इतना अच्छा सालन बना हुआ है, मस्त एकदम। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा। फिर अभी मैं इसको बंद करूँगी। आपको इतना ही ठीक रखना है तो आप रखिए, आकर भारी, क्योंकि ये सूखा बना हुआ है। तो सूखे का मतलब है हम चपाती से, चावल से, देखो मसाला देखो माशाल्लाह कैसा गाढ़ा एकदम मस्त। तो इसको हम चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो मिलती है आपको एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ।